दोस्तों आज हम करने वाले हैं राइट द सक्सेसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमें इनका सक्सेसर लिखना है। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, मीन वन उसमें ऐड करना है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमारा 10 का सक्सेसर क्या होता है, भाई 10th में आप पढ़ते आपका सक्सेसर क्लास क्या होगी, 11th होगी। भाई आप 8th में पढ़ते 8th का सक्सेसर क्या, 9th क्लास है। 10th का हमारा 11th का सक्सेसर क्या होगा, 12th होगा। तो ऐसे हमें 1, 10, 100, 1000, 10,000 है, 14,686 का सक्सेसर क्या होगा। तो सक्सेसर मीन्स इसमें कितना हमें ऐड करना होता है, 1, 4, 6, 8, 6 में कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो सक्सेसर माना जाता है। उसका सक्सेसर आगे क्या है, ठीक है। सक्सेसर 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बाकी तो वही रहेगा 7, 6 और 1, 4। तो हम कह सकते हैं 14,686 का सक्सेसर 14,687 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 32,006 का सक्सेसर 1 प्लस कर दो, कितना है 32,007 हो जाएगा। ऐसे हमारा 39, हमारा क्या 39,009 है, 1 प्लस कर दो इसका सक्सेसर में, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ प्लस करना पड़ेगा, 9, 1, 10 हो जाता है, ठीक है। ये 1 है तो ये 10 हो जाएगा, और ये 0 और ये 39,010 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 39,009 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 39,010 हो जाएगा। आगे आपको समझ, अब यहाँ 99 है तो 999 में 999 में प्लस 1 कर देंगे हम, तो कितना 91 कितना होता है, 10 हो जाता है। ये एक कैरी थी, 9 में एक और प्लस 10 और ये भी 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 999 ये कितने 3 डिजिट ग्रेटर है, तो 1 में प्लस करके ये 4 डिजिट के स्मॉलेस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सक्सेसर है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ प्लस करेंगे, 999999 है, मेरे 99,999 में हम 1 प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर हम प्लस करेंगे, 91 कितना होता है, 10 होता, एक कैरी आएगा इसमें, 91 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर एक कैरी यहाँ जाएगी, 91 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक कैरी यहाँ जाएगी, 9 और 10, 10, एक कैरी यहाँ, 9, 1, 10। तो ये इसका सक्सेसर होगा, 99,999 का सक्सेसर होगा, 1 लाख हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 लाख, ठीक है। अब हमें 2,476 का सक्सेसर निकालना है, तो इसका सक्सेसर क्या है, 1 प्लस करना पड़ेगा हमें इसमें। 6, 1 क्या होता है, 7 होता, ये 7 है पहले से, ये 4, तो 2,477 इसका सक्सेसर हो गए। तो थैंक यू।